सो तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द कोन, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर है, पाई आर एल। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ओके, ये दोनों फार्मूलाज आप याद रखोगे। जब भी हमें कर्व्ड सरफेस निकालनी है, इट विल बी पाई आर एल, वेयर एल इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, और आर इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। सो कम टू क्वेश्चन नंबर वन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। जब भी हाइट लिखियो, वी हैव टू चेक ध्यान से कि वेदर इट इज स्लांट हाइट और सिंपल हाइट। अगर स्लांट हाइट दी है तब तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल हाइट दी है तो उस केस में हमें पहले स्लांट हाइट निकालनी है, ठीक है। तो इसमें स्लांट हाइट दी है और साफ साफ लिखा फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या करेंगे, सिंपल, एवरीथिंग इज गिवन। पहले डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर से हमने रेडियस निकाल लिया। इस स्लांट हाइट से पहले आप रेडियस लिखोगे, तभी मैंने एरो दिया है, ठीक है। रेडियस हाफ हो गया, 10.5 को 2 से डिवाइड किया, नेक्स्ट स्टेप में ये 20 कैसे बना, उस 0.5 का जगह मैंने 105 डेसिमल हटा के नीचे जीरो लग गया। ओके, स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर, तो हमने क्या कर दिया, सिंपल कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई 22/7, आर इज 21/4, काटने के बाद हमारे पास आया एंड एल इज गिवन 10 सेंटीमीटर। जब हमने कैलकुलेशंस की तो हमारे पास आंसर आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, साफ ही साफ लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, दैट इज पाई आर इंटू आर प्लस एल। इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर, स्लांट हाइट कितनी है, 21 मीटर है, और डायमीटर, जब भी डायमीटर दिया तो डायमीटर का हमारे इक्वेशन में कोई काम नहीं है, हमें डायमीटर किस लिए दिया, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द रेडियस। डायमीटर का आधा क्या होगा, रेडियस, दैट मीन्स 24 अगर डायमीटर है तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, 12। सारे यूनिट सेम है, हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है एंड आंसर इज 8712/7। जब मैंने 8712 को 7 से डिवाइड किया, यू नो दैट द 7 इज क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना। जिसके भी डिनोमिनेटर में फैक्टर्स 2 या 5 नहीं होते वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जब इसको सॉल्व किया तो ये आगे 12447 जो है वो अप्रोक्सीमेट है, 7 के बाद डिजिट ख़त्म नहीं हुए हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 मीटर स्क्वायर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लैंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड फर्स्ट पार्ट रेडियस ऑफ द बेस एंड दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो रेडियस ऑफ द बेस मीन्स हमें पहले रेडियस फाइंड करना है, जो चीज़ गिवन हम उससे स्टार्ट करते हैं। स्लांट हाइट तो चलो लिख लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हमें 308, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर है, पाई आर एल। एल हमें गिवन है, पाई की वैल्यू हमें पता है, दोनों वैल्यूज कंपेयर की तो हमारे पास आ गया रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट। जब रेडियस आ गया, स्लांट हाइट पहले दी हुई थी, तो टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला, फॉर्मूला अप्लाई किया सिंपल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई आर इंटू आर प्लस एल करते करते 7 कैंसिल हो गया, हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गई, है ना, सबसे ईजी एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, इकोनिकल टेंट, हमें तो मतलब है शेप देखने से, अगेन कोन की बात कर रहे हैं। इकोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, 10 मीटर ऊंचा है, मतलब स्लांट हाइट नहीं दी है ये, सिंपल हाइट दी है, एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 24 मीटर। फाइंड फर्स्ट पार्टी, ये स्लांट हाइट अगर नहीं भी दिया हो ना, पूछा ना भी हो, तो सबसे पहला हमारा काम होता है स्लांट हाइट फाइंड करने का, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्लांट हाइट मैंने बताया किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एल से, और एल इज, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर भी दिया है, एच भी दिया, हम स्लांट हाइट निकाल लेंगे। सेकेंड पार्ट को ध्यान से समझना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। कैनवास वो कपड़ा है जिससे टेंट बनता है, देखा ना हमने टेंट किसका बना होता है, जो मोटा सा कपड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, तरपाल जिसको हम कहते हैं, उसी की तरह मोटा कपड़ा होता है कैनवास, है ना। तो
कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर टू मेक द टेंट, हमें फाइंड करना है कि हमें अगर उस कैनवस का टेंट बनाना है तो हमें कैनवस कितने का पड़ेगा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 meter square कैनवस इज, अगर 1 meter square कैनवस जो है वो 70 का आ रहा है। पहले क्वेश्चन समझो बेटा, हमारे पास एक कैनवस है, ठीक है, हम वो कैनवस कितने का खरीदेंगे अगर 1 meter square जो है वो 70 rupees का। उस कैनवस का हमें टेंट बनाना है, टेंट कितना बनाना है उसके डायमेंशन हमें दिए हैं, ठीक है, बेस तो नहीं बनानी ना हमने कैनवस की। दैट मीन्स जितना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया जिसके अंदर लोगों ने रहना वो कर्व्ड सरफेस एरिया माना जाएगा, ठीक है। तो जितना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है उतना ही हमें कपड़ा चाहिए होगा। तो अगर 1 meter square की कॉस्ट 70 है तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के 70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल है, पहले हम निकालेंगे एल, एल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर या एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। वहाँ से हमने एल की वैल्यू निकाली 26, जब हम स्लांट हाइट हमारे पास आ गई 26 meter, तो कैनवस रिक्वायर टू मेक द टेंट, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज़ पाई आर एल। जब मैंने पाई आर एल को सॉल्व किया तो मेरे पास आया 13728/7, इसको मैंने फ्रैक्शन में जाने दिया, अभी मुझे डेसिमल में करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आगे क्वेश्चन हो ना उस समय हमें जल्दी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल में करने की ज़रूरत ही नहीं है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का केस हो। कॉस्ट ऑफ 1 meter square ऑफ कैनवस ₹70 एंड कॉस्ट ऑफ 13728 meter square का मतलब है 13728 के साथ हम 70 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो कितना सिंपल हो गया, गॉट इट। फिफ्थ क्वेश्चन इसका बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6।